अन्ना भाई माफ करना, मैं आपको बताना भूल गया, मेरी बेटी की बड़ी बहन बाहर दहलीज पे खड़ी है और मैं उसे अंदर ला रहा हूं। मैं जानता हूं आपको एतराज होगा, लेकिन फिर भी मैं उसे उसका हक दिलवाऊंगा, क्योंकि मेरी परंपरा यह कहती है कि क्षमा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। है कि नहीं, बोलो। हां, महेंद्र भाऊ, जवाब सुनने के लिए रुके नहीं आप, सिर्फ है कि नहीं बोलो हाँ ऐसा बोल के चले गए। जब भी मैं पूछता हूं ना सबको कि है कि नहीं बोलो हाँ, तभी मैं रुकता हूं सबके हाँ बोलने तक। वो अभी फिर से पूछो आप। मेरी परंपरा यह कहती है कि क्षमा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कि नहीं बोलो हाँ। आए आए। नहीं नहीं
महेंद्र भाव, ये लाल दुकान है ना गहनों की, उसको आप देखना, सगाई की कोई भी रस्म में ये शामिल नहीं होना चाहिए। ये बारही। अरे कोई बात नहीं जैन भाव, धीरे धीरे आपको भी कबूल कर लेंगे। अरे आ जाओ, आ जाओ। अब वर वधु एक दूसरे को अंगूठी पहनाएंगे। पहले वर वधु को पहनाएगा, फिर वधु वर को पहनाएगी। महेंद्र बाबू, उसको मत तो भूल। जैन, ये ले। अरे ले ले बिंदास ले। ले ना भाई। अरे क्या नाम है तेरा? अरे अपना स्टूडेंट नहीं करंट, अरे नाम क्या है नाम? जयंत। हाँ हाँ ले ले बिंदास फूल ले। अन्ना भाई को मैं संभाल लूंगी, तू टेंशन मत ले। ले 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 ले। खम्मा माई माँ खम्मा, अभी तो बेटी की सगाई हुई है और यह हाल है। लगता है शादी के बाद तू सोफे पर बैठेगी और मैं सीधा ऊपर चला जाऊंगा। आपका यही प्रॉब्लम है महेंद्र, आपको हर जगह मुझे ही भेजना पड़ता है। है, है, है? अब मुझको ही देख लो, अपने बलबूते से कितनी ऊपर आ गई मैं। आज शहर के हर बड़े पिलर पर मेरी हिंग के एड के होर्डिंग लगे हैं। ये म्यूनिसिपालिटी वाले जल्दी खड्डे भर दे तो अच्छा है महेंद्र, वरना मेरा रूपाला चेहरा देखने के चक्कर में ऐसे ऊपर देखते देखते न जाने कितने ही लोग उस खड्डे में गिर जाएंगे। चुप रहने चिबावली, एक मैं गिरा हूँ अच्छा है। अरे वाह, मेरा बिस्किट। आखिर बिस्किट ने बिस्किट खा ही लिए। वो बिस्किट बिस्किट के लिए थे? वो तो मैं खा गया। आप बिस्किट के बिस्किट खा गए? इस बेचारे प्यारे नन्हे से जानवर का खाना खा गए आप? मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे लिए थे। ऐसा क्यों लगा आपको? नहीं ऐसा लगा कैसे आपको? आज तक इस घर में आपके लिए कभी बिस्किट आए जो आ जाएंगे? हैं? मेरा बिस्किट बेचारा खाता है कभी आपका खाखरा? हैं? अले ले, मारो बेचारो छोकरो आउतरे आउतरे मदिको। ऐसा क्या? हाँ पापा खाना खा गए। एक तो बेचारा ऐसे ही दो तीन दिन से कुछ खा नहीं रहा है। वो सगाई में सब लोग ने क्यूट 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 करके नजर लगा दिए मेरे बच्चे को। आप आज के आज इसे डॉक्टर के पास लेके जाना। हाँ हाँ लेके जाऊंगा। मम्मी पापा, मींस के मैं मम्मी और आप पापा। हाँ हाँ मींस के आप मम्मी और ही पापा। लुक एट दिस, मेरी सगाई की एल्बम कितनी अच्छी आई है ना। आजा आजा ये साथ बैठ के देखते। आजा आजा आजा। खसते खस खस। हाँ हाँ खस, तेरी माँ को ज्यादा जगह चाहिए। बस ये देखिए। वाह वाह। अरे उर्मिली, अभी तो सिर्फ सगाई हुई है, ये आंसू विदाई के लिए बचा के रख। मैं नहीं रो रही हूँ, हमारे घर की छत रो रही है। तीन दिन से पानी टपक रहा है। अरे बाप रे, शादी वाले घर में मेहमान टपकने चाहिए, पानी नहीं। हे भगवान, भारत के रनवे पर राफेल आ रहे हैं, ये अभी तक डामर पर अटके हुए। आप ना अन्ना भाई जैसे ऐसे झुनवानी बातें करने लगे हैं महेंद्र। डामर वामर की कोई जरूरत नहीं है, मैंने इंटरनेट पर से वाटरप्रूफिंग की एक अच्छी बड़ी कंपनी ढूंढकर उनको ऑर्डर दे दिया है और पैसे भी भर दिए। क्या बिना काम हुए? तो कितनी मांड मांड उन लोगों की अपॉइंटमेंट मिली है पता है आज के लिए।
कितनी बड़ी कंपनी है मालूम है आपको? कंपनी शुरू होने के 4 साल तक तो वो लोग खुद की बिल्डिंग का वाटर प्रूफिंग कर रहे थे। इतनी बड़ी तो बिल्डिंग है उनकी। छोड़, ये देखो। अरे लेकिन गायत्री, सारे फोटोज तेरे आईपैड पे ही है, हार्ड कॉपीज नहीं निकाली? अच्छा सा मुहूर्त देखकर आपको घर से निकालूंगी मैं। क्यों? फिर से आपने अन्ना भाई जैसी बात की। अरे थोड़ा तो अपने लेवल के हिसाब से बात कीजिए। अभी डिजिटल के जमाने में कौन इतने बड़े बड़े भारी भरकम एल्बम बनाता है? बनाता है कोई? लेकिन वो अन्ना, हमें तो एल्बम ही चाहिए, ऐसा बोलकर अपने साइज का एल्बम बना के बैठ गए हो। तो मम्मी इसमें गलत ही क्या है? फोटो एल्बम की भी अपनी एक ब्यूटी होती है ना? देखा महेंद्र? हाँ देख रहा हूँ, बहुत पानी टपक रहा है, वाटर प्रूफिंग करवानी पड़ेगी। अरे एम नहीं, हमारी लड़की को देखा ऐसा कह रही हूँ मैं? अभी तक शादी तो हुई नहीं और ये हमारी ब्यूटी ऑलरेडी ससुराल वालों की ड्यूटी पे लग गई है। ध्यान रखना पड़ेगा महेंद्र कि अन्ना भाई अब सिर्फ हमारे बिजनेस राइवल ही नहीं, हमारे समधी भी हो गए हैं। हाँ, अब इसके ससुराल वालों के खिलाफ बोलने से पहले सोचना पड़ेगा, वरना ये अन्ना भाई की तरह चिल्ला के कह देगी। केशव, प्रभाकर, भारती, निर्मित, अभिषेक, सब लोग बाहर रख लो, बाहर निकलो, आप भी बाहर निकलो, सब लोग निकलो बाहर, सब लोग। अन्ना क्या हुआ? अगर भाई 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 भाई, कहीं अन्ना की नजर इनके नए गाने पर तो नहीं पड़ी? वही नहीं, नए गाने का इशारा? ऐसे कैसे? अरे गुजराती में गिरी को पड़ी तो कहते हैं ना, ये गाने का नहीं है, पड़ी का इशारा था। ना, क्या बात? क्या है? बात भी छोड़ो, सब लोग सगाई के कपड़े फिर से पहनो। और वो गुजराती समधी जी है, उनको भी बुलाओ, और अभिषेक, गायत्री, सब लोगों को बोलो कि सगाई के कपड़े फिर से पहन के आए और पूरी की पूरी सगाई फिर से होगी। आहो, मैं शांत ही हूँ। इस घर में बड़े बुजुर्ग की कोई इज्जत है कि नहीं? इतना बड़ा एल्बम है, इतना बड़ा, और एक भी ढंग की फोटो नहीं है मेरी इसमें। ये क्या कह रहे हैं आप? बराबर बोल लो। ये देख, देखे प्रभाकर, देख सब फोटो देख, ये देखो, ये इसमें सिर्फ मेरा हाथ है, इसमें सिर्फ मेरी टांग है, और ये क्या है? मैं उल्टा खड़ा हूँ और फोटो ले ली, देखा मजाक है क्या? क्या चाहते क्या है तुम लोग? बुलाओ वो फोटोग्राफर को, बुलाओ इधर, उसका मर्डर करो और फिर उसको बोलो कि अभी पूरी की पूरी सगाई के फोटो फिर से खींच। क्या 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 प्रभाकर दादा, क्या बोला आपने? वो फोटोग्राफर को उर्मिला भी नहीं बुलाया था, और वो फोटोग्राफर अपने अन्ना को छोड़ के वो बिस्किट की फोटो ज्यादा खींच रहे थे। इसकी कुत्रे की, पहले नहीं बोल सकता था मुझे वहां पे? लगा अभी क्या, अभी उर्मिला बहन को फोन लगा, सारी की सारी फोटो फिर से खींचेंगे। चलो अभी इसमें से एक कार्ड खींचो। लेकिन पापा ये प्लेइंग कार्ड तो नहीं लगते। अरे मेनका, ये प्लेइंग कार्ड ही है मालूम? प्लेइंग कार्ड में कैसे बादशाह और बेगम होते हैं, इसमें भी बादशाह और बेगम है, और इसमें तो अजीमो शान शहंशाह भी है। चलो सब लोग अपनी अपनी आंखें मूंदो और एक एक कार्ड खींचो, और फिर ना जब तक मैं ना बोलूं तब तक आंखें मत खोलना। मेनका खींचो, मंदार, उज्जवला, आंखें बंद, खींच। अब मजा आएगा। अन्ना भाई क्या है? अपने बिस्किट से ज्यादा तो अन्ना भाई की फोटो है, और शक्ल तो देखो कैसी बना रखी है, जैसे वो कबजियत के चूरन की ऐड कर रहे हो। मम्मी क्या ले, मैंने तो उल्टा अच्छा मॉडल जैसे दिख रहे ऐसा बोला। और मॉडल को वैसे गुजराती में नमूना ही कहते हैं। पापा मजाक कर रहा हूँ बेटा। के पापा? अरे मेरा फोन बज रहा है, दो ना महेंद्र। प्रभाकर बोलिए, बोलिए प्रभाकर भाई। प्रभाकर नहीं, उसका बाप बोल रहा हूँ, बड़ा प्रभाकर, बहुत गुस्से में हूँ मैं।
अरे बाप रे, इतना गुस्सा तो हमने आपके सामने दुकान डाली थी तभी भी आपको नहीं आया था। हाँ, क्योंकि वो आपने मेरे सामने किया था, लेकिन ये जो किया है आपने, उसे पीठ में छुरा भोंकना कहते हैं। हाय हाय, अन्ना भाई, ये कह क्या रहे हैं आप? सगाई में फोटो खींचने के लिए अपना गुजराती फोटोग्राफर को बुलाते हो? अरे अन्ना भाई, अभी फोटो खींचने में क्या गुजराती और मराठी लेके आ गए आप? मैं नहीं लेके आया, आप लेके आई गुजराती फोटोग्राफर को, ताकि पूरी एल्बम में मेरी एक भी ढंग की फोटो ना आए। इतनी गंदी चाल चली आपने उर्मिला बहन। एक मिनट, क्या बोला आपने? एल्बम में आपकी एक भी फोटो है ही नहीं? नहीं आई। एक मिनट, मैं जरा स्पीकर पे डालती हूँ ना भाई। रखो, किस पर में रखो? रखो। अन बोलता ही ना था, रुको एक सेकंड। हाँ अन्ना भाई, आपको है ना कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि हम लोग अभी जो एल्बम देख रहे हैं ना, उसी एल्बम के फोटोज की कॉपी निकाल कर वो फोटोग्राफर ने आपको दी है। और हमारे एल्बम में तो आपकी एक से एक फोटोज है अन्ना भाई। झूठ मत बोलो आप। अरे मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ अन्ना भाई, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा ठीक है, तो आप गायत्री से बात कीजिए। हेलो अंकल, मम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं। इनफैक्ट हम लोग अभी बैठकर फोटोज ही देख रहे थे, आपके तो बहुत सारे फोटोज हैं। इनफैक्ट मम्मी तो आपकी फोटो देखकर आपकी तारीफ कर रही थी कि एकदम मॉडल जैसे हैंडसम दिख रहे हैं आप। अच्छा, ओ, मेरी मूछ भी छे ना, इसलिए थोड़ा मैं सब लोग पूछ। अच्छा ठीक है जी। तो फिर हमारी एल्बम में मेरी फोटो गायब कैसे हो गई? कहाँ है मेरी फोटो? कहाँ मेरी फोटो? चलो अभी आंखें खोलो और अपना अपना कार्ड देखो और देखो कि अंदर क्या है, बादशाह, बेगम या शहंशाह। ये क्या है? अरे ये क्या, तुम्हारे कार्ड में तो बादशाह, बेगम और शहंशाह तीनों आ गए। तुम जीत गए वंदार। चलो वापस खेलते हैं। एक मिनट पापा, ये पत्ते नहीं है, ये अभिषेक काका की सगाई के फोटो है। हाँ। ये क्या, इसमें तो हमारा एक भी फोटो नहीं है। अच्छा, मतलब जब मैंने फोटो एल्बम देखने के लिए मांगा, तब सबने बोला कि पहले अन्ना देखेंगे, ऐसे बोल के बात को टाल दिया। मतलब इस घर में हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं समझा है बड़े लोगों ने। अस्तित्व? भाइयों बहनों, ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है, हमें इस अन्याय के सामने लड़ना होगा। अन्ना हमारे साथ ऐसा अन्याय कदापि नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जिसने भी किया है उसकी खबर अन्ना तक तो पहुंचनी ही चाहिए। ये फोटो किसने निकाले? फोटोग्राफर ने अन्ना। बुद्धि सागर, कभी तो कुछ ऐसा बोल कि मुझे तेरी फिक्र नहीं, तू उस पे फक्र हो। चाणक्य, मैं ये पूछ रहा था कि इस एल्बम में से फोटो किसने निकाले? वो तो केशव दादा ने निकाले। केशव दादा ने फोटोग्राफ निकाल के गद्दे के नीचे रखे थे अपने कमरे में, तो मुझे लगा कि अगर कुछ काम के नहीं है तो मैं बच्चों को दे देता हूँ खेलने के लिए। अरे आप किसकी बात का विश्वास कर रहे हो अन्ना? पाड़ा, मैंने कब निकाले फोटो? आप ही ने तो निकाला। अन्ना, जब मैं एल्बम लेने के लिए उर्मिला आंटी के घर पे गया ना, तो मैंने पूछा कि आपके एल्बम बन गई, तो उन्होंने बोला कि हम तो डिजिटल एल्बम ही देखेंगे जो कभी भी फोन में देख सकते हैं, तो मुझे लगा हमारे फोन में भी एल्बम होनी चाहिए, इसलिए मैं अपने फोन से फोटो की फोटो खींचने के लिए गया ना, तो देखा कि केशव दादा एल्बम में से फोटो निकाल रहे थे। उसकी फोटो भी है मेरे पास, ये देखो। मेरी कोई गलती नहीं है ना।
ओ प्रभाकर दादा, आप क्या चुप खड़े हो? अरे बताओ अन्ना को, ये सारे फोटो निकालने का आइडिया आपका था। मेरा? हाँ, भूल गए? अरे आप ही ने तो कहा था कि केशव, हमारे बेचारे अन्ना की हालत हमारे पड़ोसी विठल राव जैसे नहीं होनी चाहिए। अन्ना, आपको पता है अपने पड़ोसी वो विठल राव काने अचानक गुजर गए। जब वो अचानक गुजर गए तो उनके परिवार के पास उनकी एक भी ढंग की फोटो नहीं थी शोक सभा में रखने के लिए। लापरवाह बगा ना, बहुत ढूंढा लेकिन एक भी फोटो नहीं मिली। आखिरकार जिस पेड़ का नारियल सर पे गिरने की वजह से वो मरे थे ना, उस पेड़ का फोटो रखना पड़ा अशोक सभा में उनके परिवार को। बताओ परमेश्वर। तो और ये बात हमारे प्रभाकर दादा के दिल में बैठ गई और इन्होंने मुझसे कहा कि केशव, भगवान न करे अगर हमारे अन्ना एक दिन अचानक हमें छोड़ के चले जाए तो उनका एक ढंग का फोटो रखना। तो उनकी बात सुन के मैं आपका एक ढंग का फोटो निकाल रहा था एल्बम से। अरे मैं कब बोला? ए बगा, बगा, भूल गए? अरे आपने तो अन्ना की शोक सभा में गाने के लिए एक मस्त गाना भी लिखा था। वो गाने के बोल कुछ यूं थे। फूल चला गया, खुशबू रह गई। नहीं नहीं नहीं, ऐसा फालतू गाना मैं कैसे लिख सकता हूँ? अन्ना आपकी कसम, अगर मैं होता ना तो कुछ ऐसे लिखता। गधा करता है मेहनत क्योंकि उसमें होती है जान। हमारे अन्ना करते थे मेहनत जब तक थी जान, तो गधा अन्ना एक हुए। मुझे गधा बोला तू? मुझे अन्ना, तुझे मैं एल्बम मारता हूँ। मारो अन्ना, वो कब 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 अन्ना, क्यों किया आपने ऐसा? अभी पता नहीं चलेगा तुम्हें। हमारे बच्चों की शादी में सोने के गहनों में लदी हुई तुम जब मेरे साथ अलग अलग पोज में फोटो खिंचवाओगी ना, तब समझ में आएगा। पूरी दुनिया ही इसकी दीवानी रहे। हम जी बाकर बड़ी।